ये तथ्य कोई भी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं है, ना ही इसका उद्देश्य जाति धर्म को लेकर हिंसा फैलाना है। ये तथ्य दबी हुई अनकही इतिहास के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए है। सन 1964 को ओमपी तहसील के पास पुलकोट पे जनक रुद्रपाल एक जमातिया मकान मालिक से 8 एकड़ जमीन खरीदे थे, जो असली में 8 एकड़ नहीं बल्कि 8 ड्रोन था। वो जमीन बिना रजिस्टर के थे। स्थानीय क्षेत्र में गरीब रिया, मोलसम, काइपिंग और त्रिपुरा संप्रदाय के लोगों को अपने 8 एकड़ के जमीन के बगैर जंगलों पर फसलें उगाकर रहना पड़ता था। यहाँ भी कांग्रेस नेतृत्व और पुलिस गरीब त्रिपुरियों के खिलाफ डकैती के झूठे मामले दर्ज करके उन्हें झूठे मामले में फंसाकर थोकदार गिरफ्तार करते थे। क्रूर तरीके से उन त्रिपुरियों को डंडे से पीट कर अपाहिज बना दिया जाता था और नारियों के ऊपर भी अत्याचार करके उन्हें गांव से बाहर निकल दिया जाते थे। पूर्व मंत्री बुलुफुकी को इन सब के विरुद्ध आवाज उठाने के वजह से लंबा समय तक जेल में बिताना पड़ा। जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव राजेश्वर और अखिल भारतीय कम्युनिस्ट नेता रेणु चक्रवर्ती पुलकोट पे जमीन देखने गए थे, तब उनके साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री नृपन चक्रवर्ती और अगर देबरमा भी साथ में थे। अगर देबरमा ने इस मामले में पहल की थी और रेणु चक्रवर्ती राजेश्वर ने केंद्रीय सरकार की दृष्टि को आकर्षण किया था। तब कमिश्नर एके चंद ने इस मामले में जांच की और उनका विचार त्रिपुरियों के प्रतीक था, यहां तक कि उदयपुर विभाग के जुनाल एसडीओ की त्रिपुरियों के तरफ थे। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिंद्र लाल सिंह की साजिश में सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया। जब त्रिपुरी लोग लंबे समय तक नजरबंदी के बाद अपने इलाके पहुंचा, तब उन्हें अपना घर ही देखने को नहीं मिला। वहां नए लोग और नए घर था। फिर जब उन्होंने अपना परिवारों को ढूंढ के बरमूरा अठारोमूरा जूम करके जीवित बनाने की उम्मीद लगाई और उन्होंने वहां पर रहना शुरू किया, तब वहां भी जूम करना निषिद्ध कर दिया गया और बहुत सारे तरीके से उन पर जुल्म किया गया। ये तथ्य 7 नवंबर 1981 में प्रकाशित किताब त्रिपुरा डंगा से लिया गया है, जिसका लेखक है अघोर देबरमा। इस किताब के सभी पन्ने तत्कालीन सीनियर एडवोकेट बीरचंद्र देबरमा द्वारा जांच किया गया है। इस किताब को भारत के सबसे ज्यादा प्रकाशित मुंबई के दैनिक अंग्रेजी पत्रिका द हिंदू में भी प्रकाशित किया गया था।